चौकी वगैरह 4:20 और हम लोग जा रहे हैं नीचे, 2 घंटे आराम से सो गए थे। आप देखते हैं नीचे चाय मिलेगी रेस्टोरेंट में, तो फिर चाय पी के डायरेक्ट चलते हैं सापुतारा लेक और बोटिंग का कुछ प्लान करते हैं। सो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेक जाके बोटिंग करेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग जा सकते हैं टेबल टॉप, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग वो सब है, या फिर हम लोग जा सकते हैं सनसेट पॉइंट। पर अभी का वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि सनसेट पॉइंट जाने का कोई मीनिंग नहीं है। अंजलि कहाँ जाना है, टेबल टॉप या फिर सनसेट पॉइंट? कहीं से भी सनसेट तो दिखने ही नहीं वाला, दिखने ही नहीं। इसीलिए हमने डिसाइड किया टेबल टॉप जाएंगे, शायद हॉर्स राइडिंग या कैमल राइडिंग जो भी है। 6:30 तक पहुँचना है, 4:30 और है, तो अभी निकलते हैं। अभी आपने जो पीछे घोड़े देखे हैं अंजलि, तुझे क्या लग रहा है क्या है वो? मैंने इतनी गाय देखी है, मुझे घोड़े भी पर साफ साफ घोड़ा है, तुझे गाय कैसा लगता है वो? आई स्वेयर पता नहीं मुझे गाय लग रही है। लेकिन अभी जस्ट हमने देखा पैराग्लाइडिंग है वो शुरू है, अब हम मंडे जाके पूछेंगे कि क्या रेट्स है और कितने टाइम तक देता है करने के लिए पैराग्लाइडिंग। आई थिंक हमने ऑनलाइन पढ़ा था, अंजलि ने पढ़ा था, बोली थी 2 से 5 मिनट का होता है, 2-3 मिनट के लिए बोले 2000। तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे वहाँ पे, रेट्स पूछेंगे एक बार। मैं तो ट्राई करूँगा एटलीस्ट, अगर वो 2-3 मिनट भी कर रहे हैं फिर भी आई विल डेफिनेटली ट्राई। अगर अच्छा होगा और रीजनेबल लग रहा है तो अंजलि भी ट्राई करेगी। रीजनेबल कैसे लग रहा है, 3 मिनट 2000 को लॉजिक नहीं, पर हम 2000 में शायद हमें 5-10 मिनट 15 मिनट करवाए तो 15 मिनट करवा रहा है तो ठीक है, बट 2-3 मिनट तो यार 2000 वेस्टेज है। और वेदर इतना मस्त है, चलने में इतना मजा आ रहा है, हर तरफ ठंडक है, ठंडा है पूरा, हर तरफ बादल है। दिस इज द बेस्ट सीजन टू कम एंड विजिट सापुतारा। तो अभी लोग हम लोग बोटिंग का पूछ के हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। तो अभी मैंने जो प्राइजेज है उसका वीडियो ले लिया है, तो आप देख सकते हैं रो बोटिंग है जो उसका बंदा रोइंग करेगा, और एक पैडल वाली बोट है जो आप 2, 4, 6 बंदे बैठ सकते हो उसमें, उसके प्राइजेज है वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अभी हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कोरोना की वजह से वी डोंट वांट टू गो, बिकॉज हमने बोटिंग कर ली थी माउंट आबू में, तो सेम ही है इसलिए। तो काम करते थोड़ा सा घूमते हैं, सब जगह से शॉट लेते हैं लेक का और फिर चलते हैं टेबल टॉप पे। सो दिस इज़ द रोइंग बोट जो उसका बंदा चला रहा है और 12-15-20 लोग बैठे हैं उसमें। आप पर्सनली बैठ सकते हैं, 2 बंदे के बाद नहीं बिठा सकते, वो 8 से 10 बंदे को बिठा के लेके जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द पैडल बोट, उसमें आप 2, 4, 6 बंदे बैठ सकते हो और खुद पैडल करके जा सकते हो। ये आपको हाफ अराउंड मरवाएगा और ये आपको कूल डाउन हाफ एन आवर। हम जब यहाँ पे अंदर एंटर हो रहे थे हमें लगा बिल्कुल भीड़ नहीं है, पर जैसे ही बोटिंग के लिए लाइन देखी ना, एक्चुअली भीड़ का प्रॉब्लम नहीं है बट कोरोना से थोड़ा डर लगता है। भीड़ तो होने ही वाली है, भीड़ तो होती ही एक्चुअली, बट करण का सेकंड वैक्सीन नहीं लगा, मेरा वैक्सीन नहीं लगा सेकंड, इसलिए थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं। अब टेबल टॉप पे जाते हैं क्योंकि सन दिख रहा है, तो आई गेस सनसेट भी वहीं से दिख लेंगे। हॉर्स राइडिंग का मुझे प्लान चल रहा है, हमारा होटल वाला झूठ क्यों बोल रहा है हर चीज़। हाँ रोप पे भी चल रहा है तो प्लान करते हैं रोप पे का पैराग्लाइडिंग। अभी चलते हैं टेबल टॉप व्यू, वहाँ से हॉर्स राइडिंग करनी है मुझे डेफिनेटली, तो वो करते हैं। अभी हम लोग लेक से रिटर्न आ रहे थे तो एक बंदे को मैंने बोलते हुए सुना, 3-3.5 घंटे वेट करने के बाद भी पैराग्लाइडिंग में उसका नंबर नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी भीड़ होगी वहाँ पे। और रोप पे भी हमने अभी देखा है वो भी शुरू है। नाउ दिस इज कॉल्ड द व्यू, लुक एट दिस। तो यहाँ पे पॉइंट पे फोटो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू ऑल फॉर ऑल द रील्स एंड फोटोज। अब ऊपर जाने की बारी है और ऊपर बहुत ही स्टीप है, मैं भी डर रहा हूँ कैसे ऊपर चढ़ेंगे, बहुत सारी कार से वो आ रही ऊपर। तू क्या डर रहा है? मैं चली जाऊंगी घर, पहले बोल रही हूँ। नहीं मतलब इतना भी नहीं है, पर थोड़ा मुझे यहाँ से दिख रहा है। अब कार तो मैं पहुंचा तो दूंगा किसी भी तरह से, पहुंच जाएगी कार, पीट दूंगी तो अगर बोल रास्ते में अब गाड़ी गिराई तो बीच में। नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच के अपडेट करते हैं कि पहुंचे या नहीं। मैं लेती हूँ अभी स्टीपनेस का फोटो।
फाइनली करण ने ऊपर तो पहुंचा दिया मतलब टेबल पॉइंट पे पहुंचा दिया हमको। मैंने बोला था मैं पहुंचा दूंगा, इतना लग रहा था स्टीप, बट एक्चुअली स्टीप लगता है दूर से आते, बट करण को सज्जनगढ़ का एक्सपीरियंस है एंड दैट इज लाइक स्टीपेस्ट थिंग आई हैव सीन, स्टीपेस्ट वर्ड होता है कोई, स्टीपेस्ट था वो एक्चुअली सज्जनगढ़, उसमें मेरी इतनी बैंड हो रही थी सज्जनगढ़ में, और आई एम लाइक गुड वी रीच, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू हियर। तो पहुंच गया टेबल टॉप व्यू, 30 रुपये पार्किंग है कार का एंड बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है, इसीलिए मास्क पहन के मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही हैपनिंग है प्लेस, काफ़ी सारे लोग हैं बट वही क्राउडेड इतना ही है। हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अगर सनसेट दिखा है तो ठीक है, अदरवाइज तो हॉर्स राइडिंग करके निकल जाएंगे यहाँ से। हॉर्स राइडिंग का सपना पूरा हो गया, 100 रुपीज लिए, एक छोटा सा ही चक्कर था, मुझे सिर्फ वैसे ही करना था, कभी हॉर्स राइडिंग की नहीं, इसलिए कैमल राइडिंग बहुत बार की है। फाइनली ये हो गया ड्रीम पूरा हॉर्स राइडिंग का, अब चलते हैं उस तरफ, देखते हैं सनसेट पॉइंट कहाँ से पड़ता है। अंजलि तुझे कुछ खाना या कुछ करना है? नहीं। क्यों, खो गई, क्या हो गया? अरे नहीं, बस देख रही हूँ। तुझे तुझे करनी हॉर्स राइडिंग? नहीं नहीं करनी ना। कैमल राइडिंग? ना, कैमल राइडिंग आई हेट बोथ। अरे उस दिन तो हमने की, अरे बस हो गया इतना, बट की रखी थी मैंने, कर रखी एक्चुअली, इसलिए। अच्छा था बट बहुत चक्कर आते हैं। तूने क्यों नहीं किया? ये पता नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा था, मैंने वो घोड़ा कर लिया बहुत। अरे वो जैसे ही तेज तोड़ने लगा ना वो घोड़ा, मेरी हालत खराब हुई। मैं नहीं बैठती, मेरे को डर लगता है बाइकर्स, घोड़े का मूड खराब हुआ तो वो लेके भाग रहा। मुझे लगा घोड़े का मूड खराब हुआ यहाँ से कूद गया, इसीलिए नहीं जाती घोड़े, मुझे यही डर होता है घोड़े का, मेरे को पापा ने पहले ही बताया था। कैमल इज लाइक दौड़ नहीं सकता इतना, घोड़ा तो दौड़ के झील के बाहर ही पहुंच गया, की तरह घोड़ा मुझे लेके कूद गया। ताई के उस पर जंग लड़ते हो, वो बोलता है कि चलो डायरेक्ट रोप पे मैं लेके जाता। फाइनली सन दिख रहा है तो लगेगा सनसेट होगा तो सही, इसका वेट कर रहे हैं। अभी बज रहे 6, तो सनसेट का टाइम मैंने देखा था 6:45 का था, तो अभी 45 मिनट्स वी हैव टू वेट। यहाँ पे देखते हैं खाने पीने की चीजें क्या है, और स्टंट करने की ट्राई कर रही है। करण क्या कर रहा है इतने से? करण ने बोर कर दिया फोटो खींच। मैं वो दिखा रहा था वहाँ ऊपर तक लोग जा रहे हैं चल के, बट यहाँ से तो शायद दिख नहीं रहा, और सीढ़ियाँ भी नहीं है, इट्स लाइक अ ट्रैकिंग पॉइंट। हाँ, और सीढ़ियाँ भी नहीं है, फिर भी चल के जा रहे हैं, और अंजलि मुझे बोल रही थी हम चलते हैं वहाँ तक। नहीं, मैं तो चप्पल पहनी, मैं तो वैसे भी नहीं जा रही। देख गाय हाय बोल रही है, फिसल जाओगी आप। गाय माता आई है सनसेट देखने के लिए।